नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको लक्कड़पुर रेलवे फाटक का आंखों देखा हाल दिखाने जा रही हूँ। हाँ, यही है वो खूनी रेलवे फाटक जहाँ हर साल सैकड़ों जाने जाती हैं। इतनी दुर्घटना के बाद भी यहाँ ओवरब्रिज तो क्या, अंडरब्रिज भी नहीं बना है। यहाँ की प्रशासन व्यवस्था इतनी खराब है कि सड़कों का हाल बहुत ही बुरा है। यहाँ पर सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और गड्ढों में पानी भर जाता है बरसात के समय। चुनाव से पहले आकर नेता यहाँ पर बड़े बड़े वादे करते हैं, उसके बाद वह यहाँ पर नजर नहीं आते। मैं खुद यहाँ की मूल निवासी हूँ। यह है फाटक के पास सब्जी मंडी और यहाँ पर बहुत लोगों की भीड़ जमा होती है। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं और यहाँ पर एक भी पुलिस वाला नहीं है। लक्कड़पुर रेलवे फाटक ने जाने कितने बच्चों को बिना माँ बाप के कर दिया है और कितने माँ बाप को से उनके बच्चे छीन लिए हैं। कितने लोग यहाँ से होकर नौकरी पर जाते हैं और कई बदनसीब लोग वापस नहीं आते। सरकार को यहाँ पर ओवरब्रिज बनवाना चाहिए ताकि पैदल चलने वाले तथा टू व्हीलर वाले यहाँ पर आ जा सकें, क्योंकि बाइक स्कूटी तक लोगों को ले जाने में इतनी परेशानी होती है, क्योंकि ये फाटक कभी भी नहीं खुलता और खुलता है तो एक आध बार खुलता है। मैंने 20 साल में कभी भी इस फाटक को 20 बार भी खुलते हुए नहीं देखा है। देखिए, आप देख सकते हैं कि लोग अपनी बाइक किस तरीके से स्कूटी निकाल के ले जा रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर पैदल चलने वाले लोगों को रोज मौत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ मिनट मिनट पर रेल आती है और काफी लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। इतने बेकसूर जानवर यहाँ पर मारे जाते हैं कि उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। और यही फाटक पर बियर बार है और यहाँ पर लोग शराब पीते हैं तथा बेहोशी हालत में अपनी जान गंवा देते हैं। कई लोग कितनी जान ली है और कितनी जाने लेगा। रात्रि के समय ये फाटक और भी डरावना दिखता है, क्योंकि एकदम बिल्कुल सुनसान अंधेरा होता है एकदम, और लाइट की व्यवस्था भी अच्छी नहीं है। लोगों को जाने आने में बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है तथा यहाँ पर दुर्घटना होना संभव है। इस फाटक ने जाने कितनी जान ली है और ना जाने कितनी जान लेगा। सरकार से गुजारिश है कि यहाँ पर ओवरब्रिज बनवाया जाए और लक्कड़पुर में सड़कों तथा यहाँ का विकास पर ध्यान दिया जाए। आपकी राय से यहाँ पर ब्रिज बनवाना चाहिए या नहीं, कमेंट कर जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे इतना शेयर करें ताकि इस वीडियो के जरिए सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। थैंक यू।